हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइमा क्लासेस। आज मैं एक ऐसा कंटेंट लेकर आया हूं जो इसको कहते हैं एम टू वी वन इज टू वी वन आर टू वी वन प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज टू वी वन वर टू वी वन। अब ये हम उपयोग कब करते हैं? तो इसका उपयोग हम जब कोई हम कोई एक्शन करने वाले हैं, यानी कि हमें कोई एक्शन करने का इरादा किया है, तो ऐसे मौके पे हम ये एमीजार टू और वीवन का हम उपयोग करेंगे। देखो, अगर मैं ये कहूं, मैं आपको एक सेंटेंस के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं नई दुकान खरीदने वाला हूं, मतलब मैंने एक दुकान खरीदने का इरादा किया है, मतलब आने वाले वक्त के अंदर मैं एक दुकान खरीदने वाला हूं। वो हमारी दुकान में आने वाली है, मतलब वो हमारे दुकान में आने वाली है। देखो, खरीदने वाला हूं, आने वाली है, वे प्रोग्राम में भाग लेने वाले हैं, मतलब उन्होंने प्रोग्राम में भाग लेने का इरादा किया है, मतलब मन बना लिया है। मैं नई दुकान खरीदने वाला हूं, मैंने दुकान खरीदने का मन बना लिया है, मतलब एक इरादा कर लिया है। तो ऐसे सेंटेंस में हम ये एम इज आर टू और उसके बाद हम वी वन बोलेंगे। देखो, मुझे जाना पड़ेगा, ये अलग सिचुएशन है। मुझे नई दुकान खरीदनी पड़ेगी, ये अलग सिचुएशन है। लेकिन यहां पर मैं जो कंटेंट लेकर आया हूं वो हम इस तरह से बोलते हैं कि भाई मैं एक दुकान आते महीने खरीदने वाला हूं, या छह महीने में खरीदने वाला हूं, या मैं कल मैं बॉम्बे मेरे अंकल से मिलने जाने वाला हूं। ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं, उस वक्त हम जो करते हैं उपयोग टू बी टू, मतलब एम इज आर टू और उसके बाद वी वन का उपयोग करते हैं। तो चलो हम एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं। मैं नई दुकान खरीदने वाला हूं, मतलब ये जो दुकान खरीदने वाला हूं लिखा है, ये हमारा प्रेजेंट में हम कोई काम करने वाले हैं ये बता रहा है। तो मैं यहां इसका सेंटेंस लिखूंगा, तो लिखूंगा आई एम टू, देखो अब खरीदने वाला हूं मतलब बाय, और न्यू शॉप, चलो वो हमारी दुकान में आने वाली है, मतलब उसने कहा है कि सर मैं आपकी दुकान में आऊंगी, तो इसने मेरी दुकान में आने का इरादा बना लिया है। तो यहां पे लिखेंगे वो मतलब आने वाली है, मतलब वो मतलब यहां पे सी लिखेंगे, शी इज टू। अब देखो आने वाली है, आने का मतलब कम, सी इज टू कम टू आवर शॉप। चलो, वे प्रोग्राम में भाग लेने वाले हैं, वे मतलब दे आर टू, चलो भाग लेने का मतलब टेक पार्ट, दे आर टू टेक पार्ट इन प्रोग्राम। चलो अब यहां पे लिखा है मैं उसे मिलने वाली थी, मतलब ये देखो ये उसने मिलने का इरादा किया था लेकिन कुछ कारण की वजह से वो नहीं मिल पाई है, तो अब वो क्या बोल रहे, मैं उससे मिलने वाली थी, मतलब मैं मतलब आई वॉज टू मीट हर, या हम सी भी लिख सकते हैं, आई वॉज टू सी हर। वो पत्र लिखने वाली थी, मतलब वो पत्र लिखने वाली थी, मतलब कोई कारण से वो नहीं लिख पाई, तो वो बोलेगी सर मैं पत्र लिखने वाली थी, तो क्या बोलेंगे, वो मतलब शी वॉज टू राइट अ लेटर। वो कार बेचने वाला था, उसने कार बेचने का इरादा किया था प्रेजेंट में, लेकिन वो प्रेजेंट में कार नहीं बेच पाया, तो अब क्या बोलेगा, वो कार बेचने वाला था सर, पता नहीं उसने क्यों नहीं बेची, वो कार बेचने वाला था। तो हम यहां पर लिखेंगे वो मतलब देखो बेचने वाला, वाला तो ही वॉज टू सेल अ कार। तो उम्मीद करता हूं ये कंटेंट जो था, हम फ्यूचर में कोई काम करने वाले हैं
राइट, तो उस वक्त हम मैं नई दुकान खरीदने वाला हूं, मैं आते साल अमेरिका जाने वाला हूं, तो ऐसे सेंटेंस में खरीदने वाला हूं, जाने वाला हूं, जाने का है, तो ऐसे सेंटेंस में हम ये एम इज आर टू और उसके बाद वी वन का उपयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।